हेलो गाइस, वेलकम टू सैम गेमिंग। PMTH पबजी मोबाइल टूर्नामेंट H4 के डे टू मैच नंबर आज का फर्स्ट है। ओवरऑल मैच नंबर 3, 19 टीम्स हमारी 74 प्लेयर्स के साथ। टीम 77 है CH4 के वैन अमरो, मेजर वॉफ CHB 2.2 रेडिकल टारर मोब TWTZ, टीम 1 HP रेस थंडर्स किंग XR, टीम ब्रेव एंड फोनिक्स। जहाँ दो प्लेयर्स जो कम है वो एक ब्रेव में कम है, एक रेज में कम है। एक प्लेयर का मैप डाउनलोड नहीं था, एक नहीं आया है फिलहाल। प्लेन बात की बात सैनो का हमारा मैप है। प्लेन बात की बात करो डॉक्स टू कैंप एल्फा एंड टीम्स ने अपने डॉप लेन स्टार्ट कर दिए। टीम 77 SC का ड्रॉप देखा जाए तो कैम्प चार्ली रहता है, वही है। एंड कैंपों के अंदर टीम H4K है, रियोगा अकेले प्लेयर यहाँ पे। यहाँ बाकी प्लेयर्स भी पहुँच रहे हैं। 1 HP लकावी का एरिया पहुँच रही है, CHB भान का एरिया लूट करती है वो, सॉरी कैम ब्रावो वो लूट करती है वो, वहाँ पे जा रही है। TW क्वेरी का एरिया लूट करेगी। मेजर के प्लेयर्स हैं पाइनन में, एंड पाइनन में ही मोव के प्लेयर्स यहाँ वो पाइनन के बराबर वाले छोटे छोटे कंपाउंड शायद से लूटने वाले हैं मोव के प्लेयर्स। टीम XR अकेली टीम बुट कैम्प आई है, टीम XR मेन कंपाउंड्स चारों ही प्लेयर्स यहाँ आए हुए हैं। बाकी मोव के भव्या एंड आईवीर जो उनके पास वाले कंपाउंड्स लूट कर रहे हैं। टीम वैनम लूट करेगी तेम्बांग का एरिया, रूइंस के एरिया में लूट कर रही है टीम रो। हैटिन का एरिया टीम किंग लूट करेगी, वहीं पे खाओ जाएगी टीम रेज एंड टीम थंडर। पैराडाइज रिसोर्ट में टीम रेडिकल टारर और थंडर्स भी वहाँ आई है, यानी थंडर्स आगे चली गई। बिल्कुल एक सही सोच है, मंगाई का एरिया वो लूटने वाली है। CHB 2.0 की बात करूँ तो वो यहाँ पर कैंप वेल्फा के पास वाला एरिया लूटने वाली है। जोन की बात करो तो पूरा जोन अभी के लिए बहुत ही सही जोन बनाए कुछ टीम्स के लिए। कैंप उन लगा भी कैंप ब्रावो और मंगाई और खाओ ये सारे टीम्स आउट ऑफ द जोन रहने वाली हैं, जल्दी आएंगी जोन के अंदर। क्योंकि यहाँ से जोन की बात करी जाए तो कोई भी टीम नहीं चाहेगी बाहर जोन से रहना। फिलहाल लूट करेंगी उसके बाद जोन में आएंगी और बाकी देखते हैं क्या रहता है। अभी के लिए सारे टीम्स लूट कर रही हैं। शुरू करते हैं सेमे से। सेमे के अंदर टीम ब्रेव डोमिनिक ब्रेव एंड हिवजन ओपी तीनों ही प्लेयर्स लूट ले रहे हैं सेमे के अंदर। कैम चार्ली की बात करो टीम 77 SE जैक डीन फियर एंड डेल्टा ये चारों प्लेयर्स भी कैम चार्ली में लूट ले रहे हैं। कैंपों की बात करो तो H4K के डार्क गोड रहेगा स्मोकी एंड वॉरियर। 1 HP की बात करते हैं लकावी का एरिया जो लूट कर रही है सुमित KK हैदर एंड सोविक के साथ। कैम्ब्रावो में है CHB चिमटू ओपी वेजिटो ओपी अपूर्व ओपी एंड आकाश ओपी के साथ। यहाँ मंगाई के अंदर है टीम थंडर्स यस सुब्स उमिया एंड माइत। रेडिकल टारर पैराडाइज रिसोर्ट के अंदर RT अननोन RT स्टेनल RT ड्रैकुला एंड बाबा। रेज के प्लेयर्स खाओ कैरी नहीं करे क्योंकि जोन उनका कट चुका है, दैट्स वाई वो चाहते हैं एज के कंपाउंड्स लूट करके अपना जोन में चले जाए। रेज कर्मा हिटमैन RPTOP। हेडिंग की बात करो तो टीम किंग के प्लेयर्स चाचा ओपी आमिर क्लर एंड स्प्रेगोड। CHB 2.0 सेडिड XD ATL सेन YT और एक्समैन OP छोटे छोटे कंपाउंड्स लूट कर रहे हैं वो प्लेयर्स भी। फिलहाल फर्स्ट फ्लेयर ड्रॉप एक मंगा लिया है लेकिन टीम फोनिक्स वर्सेस टीम TZ होता हुआ AW आया है। रो के प्लेयर्स लूट कर रहे हैं। TZ की टीम की फाइट फोनिक्स के साथ भान के एरिया में होती हुई जहाँ बिल्कुल मेडबुल को नोक किया है टेजस के प्लेयर्स ने। यार टेजस के साहिल ने नोक किया था मोवे के TW बदमाश ओपी को नोक करेंगे। मोवे के ही TW के निंजा ओपी को नोक करेंगे। मोवे के ने बैक टू नोक्स दे दिए हैं। किल कन्फर्मेशन भी अपना दोनों प्लेयर्स का लेते हुए वो जोकर ओपी एंड आयशा खान दो ही प्लेयर्स बचे हैं TW के। टीम मोव क्वेरी का एरिया पहुंच चुकी थी धीरे करके लूट कर दो प्लेयर्स उनके मोव के चारों प्लेयर्स आई थिंक सो। टेजस के हीरोइन को इंस्टेंटली फिनिश ऑफ कर दिया है। टेजस के हीरोइन को नोक एंड फिनिश ऑफ कर दिया गया है टीम फोनिक्स के होला की ओर से। क्लच गोड हसल साहिल नोक तो टेजस ने ही दिया था फोनिक्स का, बट उसके बाद फोनिक्स ने अपने प्लेयर को रिवाइव देके एक टेजस का प्लेयर कम भी कर दिया है। ऑन द अदर साइड बात करो तो थोड़ा सा बी डिसोसिएशन टीम TW के लिए हो गई है। कल का पहला गेम भी सोलो प्लेयर खेलते नजर आया था, आज का पहला गेम भी डुओ प्लेयर खेलते नजर आएगा। फिलहाल MK लेवल 3 हेलमेट वेस्ट आया है एयरड्रॉप नंबर 2 के अंदर, रुइंस के पास में है। फ्लेयर डोज रुइंस में मंगाया है टीम रो ने।
रॉक के बॉन्ड जिनके पास है AWM, और रॉक दूसरी गन है रो रॉकी के पास एक ओग, रो लव एंड रो एजन, चारों ही प्लेयर्स रो के रूइंस का एरिया होल्ड करे हुए हैं। टीम वैनम की बात करूं तो उन्हीं के पीछे वाले कंपाउंड्स में वो हैं वैनम के प्लेयर्स, वैनम के सेजी, वैनम हंटर, वैनम स्कल एंड फेज। साध ने गेम मिस किया ये वाला। 19 टीम 71 प्लेयर्स स्टिल अलाइव। टीम एक्सआर की बात कर लो तो एक्सआर के डेडली, जीलियस, सरकार एंड किलर, चारों ही प्लेयर्स। बूट कैम्प का एरिया काफ़ी बड़ा एरिया हो गया, यहाँ से लूट के लिए उन्हें आराम से काफ़ी अच्छी लूट मिल जाएगी। बॉब की बात करते हैं, एयरड्रॉप नंबर 2 लूट करने के लिए बॉब पहुँच चुकी है। बॉब का जामा, लियोन, फर्कस एंड एसआर के यहाँ शेयर काफ़ी दिनों बाद नज़र आए। TW के जो दो प्लेयर्स बचे हैं, आयशा खान एंड TW जोकर ओपी, वो थोड़ा वो फंसना नहीं चाहेंगे इस वीडियो कोई भी वीडियो सिचुएशन में, वो अपना जोन पकड़ना चाहते हैं। लेट्स सी यहाँ पर कब तक यहाँ TW के दोनों प्लेयर्स डोमिनेट करेंगे आज का गेम। 19 टीम 71 प्लेयर्स स्टिल अलाइव। जंप कर गए आयशा खान चलती गाड़ी से, क्या ही सीन हुआ है। फर्स्ट एड, एक ही फर्स्ट एड है, उसे भी यूज़ करने के दे। बट यहाँ कंपाउंड पकड़ेंगे, उसके बाद देखते हैं जोन, वो जोन कटेगा, उससे पहले अपने आप को बूस्ट करना चाहेंगे, लूट भी करना चाहेंगे। लेट्स सी यहाँ पर क्या रहने वाला है। फिलहाल एक फाइट बन सकती है टीम CHB2 वाइंडो वर्सेस बॉब, यहाँ दोनों ही टीम्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज। टीम बॉब के प्लेयर्स उन कंपाउंड को होल्ड कर रखे हैं, टीम CHB के प्लेयर्स ड्रॉप के पास ही आए हैं, शायद से वो ड्रॉप लूटा नहीं था किसी ने। ATL को यहाँ करते हैं स्पॉट, जी हाँ बिल्कुल नहीं लूटा था एयरड्रॉप नंबर 2, ATL लूट कर चुके हैं MK14। टीम बॉब के प्लेयर्स स्पॉट कर पाएंगे उधर या नहीं अभी के लिए तो, जी हाँ नहीं कर पा रहे हैं अभी तो, कोई देख ही नहीं रहा है खिड़की की तरफ। फिलहाल बॉब लियोन भी नहीं देख रहे हैं, फर्कस का भी ध्यान नहीं है, बिल्कुल उनके सामने से लगभग लूट करके ले गए टीम CHB2.0 के प्लेयर्स ड्रॉप एंड उनका रोटेशन चालू है। मेजर्स की बात करो तो पाइनन के एरिया से अभी जोन है उनके पास, तो कुछ ज़्यादा बीटी होगा नहीं, उन्हें कुछ करना है नहीं, जी हाँ अभी के लिए तो कुछ नहीं करना टीम मेजर्स को। टीम रेज की बात करो तो खाप पहुंच गई, वो लूटते लूटते जोन का डैमेज लेगी, बट अब वो जोन में जाएगी क्योंकि सेकंड जोन हमारा बन चुका है। आफ्टर 1.5 मिनट वो क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। TW जोकर ओपी एंड आयशा दोनों प्लेयर्स अपनी बग्गी लेकर निकल रहे हैं। H4K का शायद से पीछे स्प्रे आ रहा है, H4K रियोगा, स्मोकी, वॉरियर एंड डार्क गॉड, चारों प्लेयर्स। TW के प्लेयर्स नहीं रुकेंगे ब्रिज काम के लिए, वो जाएंगे जोन क्योंकि उन्हें मालूम है वहाँ से दो प्लेयर्स हैं, हम वो गलती नहीं करना चाहेंगे। H4K के प्लेयर्स भी यहाँ से जोन जाने का ट्राई कर ही रहे हैं, वो उनका रोटेशन चालू है। मॉब की बात करूँगा, मॉब भी दूसरी साइड से एंट्री ले रही है जोन के अंदर। ऑलमोस्ट फर्स्ट 2 किल्स मोबे के ले गए हैं, टॉप 5 फ्रैगर में शुमार हैं मॉब के दो प्लेयर्स, मॉब के आईवीर एंड मोबे के। टॉप फ्रैगर में टीम टेजर्स के साहिल भी हैं, RT के ड्रैकुला भी हैं, जी हाँ, और रो के लव हैं हमारे हैशटैग फन पे। उसके बाद टीम मॉब के प्लेयर्स भी, ये दो प्लेयर्स जिनका मैं नाम ले रहा हूँ फर्स्ट गेम के फर्स्ट डे के दो मैच, उसके बाद अभी के लिए आज का गेम देखते हैं कहाँ जाता है। रेज कर्मा, RPT OP एंड रेज हिटमैन, ये तीनों ही प्लेयर्स अभी लूट ले रहे हैं, डैमेज भी खा रहे हैं। जोन 30 सेकंड बाद चलेगा तो डैमेज भी बढ़ जाएगा, हीलिंग तो इनफ है उनके पास बट जोन काफ़ी दूर जाना है तो जल्दी पकड़ना चाहेगी टीम रेज भी जोन। हिटमैन एक व्हीकल से हैं तो एक प्लेयर को लेके जा सकते हैं शायद, या व्हीकल छोड़ेंगे अभी देखते हैं। फिलहाल फोनिक्स की फायर टीम 1 HP के साथ एंगेज, सुमित गेट नॉक डाउन, लेकिन KK यहाँ M16 के साथ कंटिन्यूस प्ले दे रहे हैं और यहाँ कवर फायर के चक्कर में KK भी नॉक हो गए लॉर्ड फोनिक्स की M416 के साथ। रोलअप ने अंदर साइड नो डेडली को नॉक एंड फिनिश ऑफ डाल दिया। टीम XR के साथ फायर टीम XR शायद से सैंडविच हो सकती है क्योंकि एक साइड बॉब है, दूसरी साइड टीम रो है। 1 HP थोड़ा सा फंसती हुई नज़र आई यहाँ पे, हैदर एंड सोविक भी यहाँ से एक फंस सकते हैं क्योंकि टेजर्स उनके काफ़ी क्लोज है, टेजर्स के प्लेयर्स भी जोन जा रहे हैं, टीम 1 HP के प्लेयर्स भी जोन जाएंगे। लेट्स सी यहाँ पर क्या रहने वाला है, फाइट तो यहाँ बनती ही है। यहाँ बिल्कुल टेजर्स के प्लेयर्स ने सपोर्ट कर लिया है हैदर को, टेजर्स के साहिल ने सपोर्ट किया है यहाँ पर दौड़ते हुए, क्लच गोड भी आई थिंक सो हैदर को पूरा ओपन में सपोर्ट कर चुके हैं। हैदर मुश्किल में फंस सकते हैं अगर उन्हें सपोर्ट नहीं किया तो, जहाँ नहीं किया हैदर ने स्पोर्ट, पूरा ओपन में दौड़ रहे हैं, नोक हो जाएंगे क्लच गोट की ओर से। हैदर सोवी की जलाजमेंट सर्वाइवल फॉर टीम 1 HP जो जोन में पहुंच चुका है, केज ऑफ द जोन का पाउंड होल्ड करता नजर आएगा या नहीं वो देखते हैं। अकेला प्लेयर ही बचा हुआ है क्योंकि हैदर भी फिनिश ऑफ हो जाएगा, काफ़ी दूर से सोबिक पहुंच चुका है जोन। टीम किंग जोन में एंट्री ले चुकी है ऑलमोस्ट, टीम रेज को भी जोन पकड़ने वाली है टीम। टीम थंडर्स का एक और CHB का, ये दो टीम्स का स्कैम हो सकता है, टीम RT और टीम फोनिक्स।
जी हाँ, ये कर सकती हैं यहाँ पे गेट कीप टीम आरटी और टीम फोनिक्स, टीम थंडर्स, लेकिन टीम थंडर्स भी उनकी जिस राइट से माइथ को स्पोर्ट हो गया है, यहाँ होला स्पोर्ट कर लेंगे माइथ को, नो करेंगे अपनी यूएमपी 45 के साथ, लेकिन टीम आरटी देगी वहाँ पे बीटी पूरा, टीम फोनिक्स को होला को नो करेंगे, स्टैनल जेरोपी को नो करेंगे, ड्रैकुला कंटिन्यू यहाँ पे पूरा बीटी जेरोपी का किल कन्फर्मेशन ड्रैकुला लेते हुए टीम आरटी के पास पूरा पूरा मौका, मेडबुल को स्पोर्ट किया गया, टीम आरटी ने फोनिक्स का एलिमिनेट कर दिया है, दो किल्स स्टैनल के, दो किल्स ड्रैकुला के। अब बात आती है टीम थंडर्स की, थंडर्स को भी जोन पकड़ना है थोड़ा सा लेफ्ट हैंड एरिया लेते हुए वो, क्योंकि राइट हैंड साइड से पड़ रही है, लेकिन टीम मोव के एक एक फिनिश ऑफ हुए हैं, नो गेन फिनिश ऑफ 77 एससी की ओर से, या टीम 77 ऐसी कि डेल्टा ने वो नोक एंड फिनिश ऑफ डाला है टीम मूव का, टीम मूव के थ्री मैन स्क्वाड है नीचे की ओर है, खरबार स्पोर्टेड हुए थे डेल्टा को, काफ़ी अच्छे तरीके से स्प्रे दिया, हाफ एच पिन को छोड़ा है, एक और नेट को होता हुआ डेल्टा की ओर से, ये ग्रेनेड क्या अच्छा ग्रेनेड होगा, मूव भैया की ओर था भाविया की ओर था, बट वो ग्रेनेड से पहले ही वो पीछे पीछे निकल गए, टीम मूव के थ्री मैन स्क्वाड है, टीम थंडर्स के प्लेयर्स को एक को नोक करेगा सोविक, टीम थंडर्स के साथ फाइट होगी सोविक की इस बार, उमिया को नोक करेगा सोविक, काफ़ी मुश्किल में डाल दिया सोविक ने, अकेला प्लेयर टीम थंडर की मुश्किल बढ़ाता हुआ, 1v4 में थे अकेला, थ्री नॉक दे चुका है लास्ट प्लेयर थंडर यास, यहाँ 1v4 क्लच क्या देखने को मिलेगा सोविक के रोड से, यहाँ एक नेट को कर चुका है थंडर यास, पोजीशन चेंज कर चुका है अपनी, पीछे नेट डालता हुआ सोविक नहीं जा रहे क्लोज में, रिवाइवल वहाँ पर दिया जा रहा है सोविक सामने यस का, और यस को स्पोर्ट करेगा ओपी गेम प्ले वाय सोविक, 1v3 किल्स यहाँ पे टीम थंडर्स के इसको मिले हैं, एक किल शायद से वहाँ पे, यहाँ उमिया का किल ऑलरेडी टीम फोनिक्स ले लिया था, 1v3 ओपी निकालता हुआ यहाँ पे 1 HP का सोविक, फिलहाल मेजर हमाद गेट नॉक डाउन, लेकिन सोविक को स्पोर्ट कर लिया CHB, पूरा ओपी ने अकेला प्लेयर था, 1 HP के प्लेयर किल तो लेके गया, पोजीशन अब नहीं मिलेगी, फिलहाल मोव के भाई भविया भी नॉक कर दिए गए डेल्टा की ओर से, मोव के दो प्लेयर्स बचेंगे अब, खरवार एंड आईवीर, भविया का किल भी कंफर्मेशन होता हुआ, आईवीर एंड खरवार ही बचे हुए, 77 SC फाइट लेते नजर आ रही है हर तरफ, अभी तो टीम तेजस को भी डी दे रही है, वो तेजस के साहिल को नॉक किया गया था और फिनिश ओ भी कर दिया गया, टीम 77 SC के पास होते हैं 3 किल्स, जोन जाना है लेकिन उनको भी, न्यू जोन बन चुका है हमारा, न्यू जोन के अंदर टीम मेजर से एज ऑफ द जोन पहुंच चुकी है, मेजर के चारों ही प्लेयर्स, टीम रोक के चारों प्लेयर्स वो तो स्टार्टिंग ऑफ द गेम से जोन में, रुइंस के एरिया में, तवांग का एरिया टीम वैनम के फेवर में, उनका कंपाउंड है लूट कंपाउंड, नाकम का एरिया टीम TW जाके जोन में बैठ चुकी है, फिलहाल CHB की फाइट होती हुई इंगे टीम टेजर के साथ, क्लच गॉड को नॉक एंड फिनिश ऑफ डाल दिया, हसल अकेला बचा हुआ है टेजर के लिए, स्पोर्ट किया है चिमटू ओपी को नॉक किया है, बट वेजिटो भी इंस्टेंटली फिनिश ऑफ डालेगा, टेजर का एलिमिनेशन देखने को मिलता हुआ, यानी कल की जो टॉप टीम्स थी उनमें का वो थोड़े मुश्किल में फंसती नजर आ रही है, जैसे टेजस थी #1 पे वो आज जल्दी एलिमिनेट हो चुकी है, टीम मोव थी रेडिकल टायर तो अभी जिंदा है, लेकिन टीम मोव के बाद जिंदा वो भी है दो प्लेयर्स के साथ, दो अपने वो भी हो चुकी है, लेट्स यहाँ पे 15 टीम 53 प्लेयर्स गेम किधर जाता है वो देखने को मिलेगा, लेकिन 77 SC फिर से एक नोक, इस बार रेप का नोक एंड फिनिश ऑफ, क्या ही पोजीशन लेके बैठी है बॉब DSR के ने, बॉब फर्कस को और बॉब कजामा को और बॉब लियोन को और अपने आप को भी, जी हाँ यहाँ पे मेजर सवाल है कि वो स्प्रे था जो चार प्लेयर्स को लेके गया है, चार किल्स ऑफ मेजर सवाल है व्हीकल डेस्ट्रॉयड के साथ, क्या ही चार किल उठाए मेजर सवाल ने, लेकिन मेजर एजम गेट नॉक डाउन, उधर टीम 77 SC टीम व्रेप का एलिमिनेट करती हुई, टीम 77 SC 6 किल्स उनके पास हो चुके हैं, सैनो का गेम काफ़ी अच्छे तरीके से टीम 77 SC खेलती हुई, 13 टीम 46 प्लेयर्स स्टिल अलाइव, जोन नंबर 3 हमारा क्लोज इन हो रहा है, CHB एंड मोव, और CHB क्या पूर्व भी काफ़ी ही दूर नहीं जा रहे हैं जोन से, या कुछ ज़्यादा ही दूर से रोटेट कर रहे हैं पूर्व ओपी और शायद से चिमटू ओपी भी उनके साथ है, जी हाँ, लेकिन 77 SC एक अली रोटेट करके जोन के अंदर बीटे डालना चाहिए, पीछे से आने वाली टीम्स का वही चीज़ है एक जो किल्स वहाँ पर मिलते हैं, लेकिन जोन बनता हुआ तैमांग का एरिया वैनम को पूरा पूरा फेवर करता हुआ, सेजू अपू वो भी सामने स्पोर्ट होंगे, मोव के आईवीर उनको नो करेंगे, फिनिश ऑफ डाल देंगे ही आईवीर ही, यहाँ टीम मोव अपना लगातार यहाँ पे इस पर दिखा दे, फिलहाल तो टीम मेजर की बात करो तो वो भी यहाँ पे मेजर एजम नॉक हुए, सी एच बी आकाश ओपिंग नॉक एंड फिनिश ऑफ 77 SC के जैक ने डाल दिया है, टीम 77 SE बहुत अच्छी तरीके से फाइट ले रही है आज के तो गेम की, अलग ही गेम चल रहा है उनका, बहुत अच्छे तरीके से गेम प्ले उनका नज़र आ रहा है हमें,
13 टीम 44 प्लेयर्स बचे हुए हैं हमारे, फोर्थ जोन क्लोज होना स्टार्ट होगा। वैनम के प्लेयर्स फाइट ले रहे हैं, सीएचबी 2.0 से वैनम हंटर ने सीएचबी 2.0 के एक प्लेयर को एटीएल को नोक दिया है। यहाँ से पहली फाइट टीम वैनम अपनी ले रही है, काफ़ी दूर नोक दिया है तो किल कन्फर्मेशन तो मिलेगा नहीं, फिलहाल टीम वैनम होल्ड करेगी। सीम रोकी गेट नोक डाउन बाई एक्सआर के प्लेयर्स की ओर से, यह नोक दिया गया है रोकी को। चिम टोपी को नो करेंगे 77 एसी के प्लेयर्स, और रिकल टारगेट ड्रैकुला वो किल उठा लेंगे जो नोक था टीम, जी हाँ दूसरी टीम का नोक था आरटी ने, लेकिन किलो डाल लिया टीम एक्सआर का वो नोक था। 77 एस सी एच बी की मुश्किलात कंटिन्यू बढ़ा रही है। वेजिटो ओपी जो सामने है उनके ऊपर स्लैमिंग जाता है वो, शायद से चिमटो ओपी नोक है क्या, जी हाँ अकेले प्लेयर बचे हुए हैं वेजिटो ओपी, उनके ऊपर क्लोज इन जा रहा है टीम सी एच बी, थोड़ा मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। यहाँ पे सी एच बी के प्लेयर्स कंटिन्यू फाइट ले रही है, डेल्टा को नोक दिया है यहाँ पे वेजिटो ओपी ने, गन स्विच करी है, एक अच्छा ट्राई वेजिटो ओपी का, एक किल जरूर लेके जाएंगे वो अपना, बढ़िया से एलिमिनेट हो जाएगी टीम सी एच बी। टीम 77 ऐसे 3 मैन स्क्वाड खेलते नजर आएगा। टी डब्ल्यू जोकर ओपी टारगेट को नोक करेंगे, बाबा को नोक करेंगे, जी हाँ सरकार नोक करेंगे बाबा को, स्मोकी को नोक करेंगे आयशा, टीम टी डब्ल्यू के दोनों ही प्लेयर्स टीम एचफोर्की की मुश्किलात कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एक एज ऑफ द जोन बैठे हुए एचफोर्की के दो प्लेयर जोन आ चुके हैं, दो प्लेयर्स नोक हो चुके हैं, यानी कि ये दोनों किल्स क्या एचफोर्की को मिलेंगे टी डब्ल्यू को मिलेंगे या नहीं, या क्योंकि किल स्टीरिंग बहुत चल रही है, रिवाइवल होना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ही है। फिलहाल रोल ऑफ रेज हिटमैन को नोक करेंगे, टीम रो की फायर होती हुई टीम रेज के साथ, हिटमैन को इंस्टेंट फिनिश ऑफ डाल दिया, आरपीटी ओपी को नोक डाल दिया है यहाँ से टीम रेज के, जो अकेला प्लेयर कर्मा बचा हुआ है क्योंकि 3 मैन स्क्वाड खेल रही है टीम रेज, आरपीटी ओपी को रिवाइवल इंस्टेंटली मिल रहा है क्या, या रो बॉन्ड गेट नोक डाउन और टीम एच फोर के दोनों किल्स, अभी एक किल मिला है रो एजन गेट नोक डाउन, रो बॉन्ड का किल कन्फर्मेशन होता हुआ टीम रो गेट एलिमिनेटेड, क्या ही थर्ड पार्टी हुई है एक बीच में, टीम रो एलिमिनेट हो गई है स्टेक 12 पे। एक्सआर के जीलियस आर टी एन उनको नोक करेंगे, मेजर हम मात करेंगे जैक को नोक, मेजर जैद गेट नोक डाउन, इतनी ही फाइट चलने वाली है यहाँ पे, मल्टीपल फाइट सी एच बी 2.0 के प्लेयर सेन वाई टी के M24 का पटवार होता हुआ रजिस्टर नोक करेंगे सरकार को, सी एच बी 2.0 ने यहाँ एलिमिनेट कर दिया टीम एक्सआर को, जहाँ किल्स उनको कितने मिले हैं वो देखना होगा, अभी के लिए 2 किल्स उनको मिले हैं। फिलहाल किंग के स्प्रे गोट को नो करेंगे आरपीटी ओपी, रेज के प्लेयर्स यहाँ सी एच बी 2.0 टीम मेजर्स पे कंटिन्यू यहाँ पे एक होल्ड लेके बैठी हुई है। फिलहाल रेज कर्मा पूरा ओपन में थे, लेफ्ट साइड में आर डी की टीम आरपीटी ओपी ने स्प्रे दिया है ड्रैकुला, लेकिन पीछे से पड़ेगी ड्रैकुला को, कर्मा को नोक किया था ड्रैकुला ने, 77 एससी के फेयर योगा को नोक करेंगे, कर्मा का किल कन्फर्मेशन ड्रैकुला जरूर ले जाएंगे, लेकिन ड्रैकुला खुद भी नोक हो जाएंगे। एक्समैन ओपी यानी कि रेडिकल सॉरी सी एच बी 2.0 की ओर से हैवी के एटीएल ने मेजर जैद को नोक किया, इंस्टेंटली फिनिश ऑफ डाल दिया, मेजर के सवाल है अकेला प्लेयर बचा हुआ है टीम मेजर के लिए, 4 किल्स उसके पास है, सी एच बी 2.0 उसके करीब में यहाँ कभी भी स्पॉट हो सकते हैं, 117 मीटर दूर है, टॉप 9 टीम्स बची हुई हैं, थोड़ी देर वेट कर लें तो यहाँ से टॉप 8 टीम्स बची हुई हैं, प्लेयर उनसे टीम एच फर के एलिमिनेट होती है, टीम वैनम के 4 प्लेयर्स अलाइव है, 8 टीम्स 21 प्लेयर्स, टीम मेजर का अकेला प्लेयर सवाले और एक सोलो प्लेयर और है, अगर सवाले थोड़ा वेट कर लें तो वहाँ पे एक पोजीशन बढ़ सकती है क्योंकि आरपीटी ओपी भी सोलो हैं, कभी भी सोलो प्लेयर कोई भी जा सकता है। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे इन दो प्लेयर्स में से कौन सा होगा प्लेयर जो दिला के लेके जाएगा अपनी टीम को पॉइंट, या कौन सी वो टीम होगी जो आज का चिकन लेगी पहला गेम का चिकन, लेट्स सी यहाँ पे कौन सी टीम लेती है। या एक्समैन ओपी आर डी एन उनको नोक करेंगे, मेजर सवाले को फिनिश ऑफ कर देंगे सी एच बी से एन वाई टी, तो यहाँ से पोजीशन तो इतनी कितनी रहती है, टॉप 7 में टीम रेड रेज के आर पी टी ओपी अपनी टीम को लेके आ चुके हैं टीम, जी हाँ रेडिकल टायर उनके सामने नजर आ रही है, 5 फर्स्ट एड आर पी टी ओपी के पास है, जोन जाते नजर आएंगे सैजी 77 एसी के फेयर को नो करेंगे, सैजी नहीं वो दूसरा किल ले लिया 77 एसी को एलिमिनेट करती हुई, 6-7 पे टीम वैनम मोव के दो अभी तक सर्वाइव कर रहा है, जी हाँ एक नो किया है उन्होंने रेडिकल टायर के, और सेन वाई टी 2.0 का सेन वाई टी को नो किया था, फिनिश ऑफ भी डाल दिया, बिल्कुल भी देर नहीं लगाते नो कैन फिनिश ऑफ के बाद, 6 टीम्स बचती हैं हमारी, 17 प्लेयर्स स्प्रे आउट को नो करेंगे सैजी, टीम वैनम फाइट लेते नजर आ रही है, रेडिकल टायर गेट एलिमिनेटेड, सी एच बी 2.0 ने रेडिकल टायर को एलिमिनेट कर दिया है। वैनम के हंटर या आमिर को नोक करेंगे, मो आईवीर एसमैन एक्समैन ओपी को सेंडी डेक्स दी, लेकिन दूसरे साइड मोफ के एक्सवीर को नोक एंड फिनिश ऑफ डाल देंगे, खरबार अकेले प्लेयर बचे हुए हैं जोन से अभी डैमेज ले रहे हैं, 5 फर्स्ट एड उनके पास हैं, हील बैटल के लिए जाने वाले हैं आई थिंक सो, क्योंकि सामने ही उन्हें प्लेयर्स नज़र हैं उनके, तो अभी के लिए हील बैटल जा रहे हैं, खरबार वो निकलना चाहते हैं एक हील एक फर्स्ट एड लगा के स्पोर्ट करेंगे सामने ही प्लेयर को, एटीएल को भी नोक करेंगे, 2 प्लेयर्स बैक टू बैक ने दे दिए खरवार ने, और सी एच बी 2.0 के किल्स उन्हें मिल जाएंगे शायद से, जिन्हें एक्समैन ओपी का किल कन्फर्मेशन हो गया उनके प्लेयर को, एटीएल अभी के लिए नोक पड़े हुए हैं, सैडी डेक्स जो लेफ्ट हैंड साइड में खरवार को स्पोर्ट कर लिया उन्होंने, काफ़ी लो किया है, फर्स्ट एड ओपन कर रहे हैं खरवार और क्लोज हो रहा है टीम, सैडी डेक्स का क्लोज होता हुआ, थॉमसन के साथ ट्राई करने वाले
लेकिन किल यहाँ पे लेके जाएंगे या अब लास्ट किल लेके जाएंगे या नहीं, क्योंकि एक तो किल ले चुके हैं और बहुत ही अच्छा इतनी लो एचपी में हो चुका है। लेकिन वैनम के सहज ही उन्होंने दस टीम किंग को पूरा निपटा गए। टीम वैनम पूरा डोमिनेशन दिखाती हुई, चिकन की जो तलाश थी उनकी कल की वो आज नज़र आएगी मेरे हिसाब से। 6 किल्स हैं टीम वैनम के पास, 5 किल्स सहज ही के पास हैं। 2 टीम्स बचती हैं, 5 प्लेयर्स। मोव खरबार अपनी अकेला प्लेयर अपनी टीम को हैशटैग 2 लेके आ गया, जोन उसको जाना है, अकेला प्लेयर बचा हुआ है, 1v4 सिचुएशन में है। लास्ट किल किस किसका लेगी टीम वैनम वो देखते हैं, पूरा का पूरा जी हाँ कौन सा प्लेयर लेगा सॉरी ये देखता हूँ, क्योंकि 1v4 तो बहुत हार्ड है ऐसी सिचुएशन में। टूर्नामेंट का गेम नोटा इजी फॉर 1v4 सिचुएशन निकालना यहाँ से। मूव करवा रहा अकेला प्लेयर बचा हुआ है। वैनम की बात करूँ तो स्कल, फैज, हंटर एंड सैजी वो चारों प्लेयर्स हैं। सैनोक में कोई भी सांप खा सकता है ये भी उनको ध्यान है, डेस्ट वाई वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। मूव के करवा कपड़े भी हरे पहन के आए हैं जी हाँ बिल्कुल, एक आई लेवल कपड़े भी पहन के आए हैं। अकेले प्लेयर बचा हुआ है, 7 किल्स हैं टीम मूव के, टीम वैनम के पास 6 किल, तो 7 किल उनका चिकन होता नजर आएगा कि नहीं आएगा। मोफ खरवार जो अकेले प्लेयर हैं, एमके है, मे बी वो अगर 1v4 के लिए नहीं गए तो शायद से वो ये चाहेंगे एक नौकर है तो उसका किल भी लेके जाएं, क्योंकि एक नंबर अगर किल का बढ़ा दिया उन्होंने तो वो पोजीशन एक नंबर भी उन्हें काफ़ी मदद देगा। 7th जोन हमारा बन चुका है, 7th जोन की बात करो तो यहाँ से अकेला प्लेयर मोफ का खरवार है उनके सामने, पूरी टीम वैनम के सामने जी हाँ। वैनम के प्लेयर सैजी, स्कल एंड फैज जाते हुए आगे की ओर बिल्कुल ढूंढने का ट्राई प्लेयर्स का चल रहा है। मोफ के खरबार जो अकेले हैं यहाँ सामने स्पॉटेड हैं, यानी मोलोडोल आया है मोफ खरबार की ओर से वैनम की ओर, बट पड़ेगा नहीं किसी को वो बात अलग है। अभी के लिए बचे हैं मोफ के वैनम के चारों प्लेयर्स मोलोडोल से, यहाँ सैजी आगे जाते हुए मोफ खरबार पूरा प्रोन डाउन है। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वही चीज़ करेंगे या नहीं करेंगे, नोक करा तो फिनिश ऑफ करेंगे, ट्राई करेंगे आई थिंक सो। एम के है उनके हाथ में, यहाँ एम के चलती हुई लेकिन डैमेज ज़रूर दिया था उन्होंने, बट किल कन्फर्मेशन भी उनका टीम ईजिली ले लिया विदाउट एनी नोक। वो किल लिया है टीम वैनम के, स्कल या हंटर में से एक ने बार हाल टीम वैनम के अटैच किया विद 7 किल्स। ओपी गेम प्ले बाय टीम वैनम, हंटर से जी स्कल एंड फेज सेकंड पोजीशन पर टीम मूव आती विद 7 किल्स। थर्ड पोजीशन पर आरसी एचबी 2.0 विद 10 किल्स। फोर्थ पोजीशन टीम किंग 0-1 किल के साथ टीम ले जाती है। फिफ्थ पोजीशन 0 किल्स, देन टीम रेडिकल टेरर विद 9 किल्स। सिक्स पोजीशन 77 SC आती हुई 10 किल्स के साथ। सेवन पोजीशन मेजर H4K TW एंड ऑल।